67 वर्ष के अनुपम खेर का निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े और सुपरहिट अभिनेता रह चुके अनुपम खेर हमेशा ही किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहते, पर इस बार उन्हें मीडिया की सुर्खियों में लेकर आने की वजह थी उनकी अपकमिंग मूवी। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको बता दें कि अनुपम खेर को ट्रोल या फिर हम कहें कि ट्रेंड किया जा रहा है उनके निधन को लेकर। आपको बता दें कि अनुपम खेर 67 वर्ष के हो चुके हैं और इसी बीच उनके निधन की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा तादाद में वायरल की जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनुपम खेर पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और इसी बीच वो कोरोना पॉजिटिव हुए और बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर हो चली है। और जैसे ही यह खबर मीडिया के हत्थे लगी, लोगों ने यह वायरल करना शुरू कर दिया कि अनुपम खेर का निधन हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि किरण खेर ने भी इसके बारे में जानकारी शेयर करते हुए ये बताया है कि अनुपम खेर की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसे में फैंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि फैंस अनुपम खेर की अच्छी सेहत के लिए दुआ करें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है, अगर आपने भी अनुपम खेर के निधन की खबरों को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।